मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ और अभी भी तबीयत जो है थोड़ी सी बजल बजल सी है। शादी आ गई है और जिसपे मुझे जाना बहुत ज्यादा जरूरी था कि इस पे जो है मेरे हस्बैंड भी नहीं जा सकते। पता है कि ख्वातीन को जो है शादी पे जाते हुए होता है कि मैं अच्छी सी तैयार हो जाऊँ और अच्छा सा ड्रेस पहनूँ। गाइस हम लोग जो है आ चुके हैं। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं थी कि एनवेलप जो है वो पैसों वाला मेरे पास ही है। खाना वाना खाया। और गाइज मेरे हस्बैंड जो हैं वो आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम है गाइज। हम लोग जो है पार्क आ चुके हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा है कि तुम जो है बैठ जाओ और अभी तुम वॉक ना करो, रिफ्रेशमेंट। वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा रश होता है संडे को, है ना गाइज। हमारा नाश्ता जो है आ चुका है। यहाँ पे जो है चाय नहीं है और अभी हम जो है कहीं और जाके चाय पिएंगे। इतने मासूम और शरीफ बन जाते हैं माँ बाप के सामने जैसे इनको तो दुनिया जहान का पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रिजवाना फारूक अपने नए व्लॉग के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ गाइज कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। और जी आप सोच रहे होंगे कि रिजवाना ठीक हो गई है, तो खैर मैं अभी ठीक नहीं हुई हूँ, मुकम्मल तौर पर बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। और अभी भी तबीयत जो है थोड़ी सी बजल बजल सी है और सर भी ऐसे भारी भारी सा हो रहा है। लेकिन जी एक शादी आ गई है और जिसपे मुझे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और क्योंकि इस पे जो है मेरे हस्बैंड भी नहीं जा सकते थे। और वो वजह ये है कि जी उनका एक जो दोस्त है ऑफिस के कोई कलीग है और उसके बेटे का आज वलीमा है, और आज ही जो है जो मेरी नंद है उनकी नंद है और उनकी बेटी की शादी है। मेरी नंद की जो नंद है उनकी बेटी की आज बारात है, तो मुझे वहाँ जाना ज़रूरी हो गया है। मैं और कैफ जो है वहाँ जाएंगे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो निकल चुके हैं क्योंकि वो मरी में थी। आज रात का जो है उनका वलीमा है और रात की ही इनकी भी बारात है, तो टाइमिंग भी एक ही है, दिन भी एक है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा है कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी तो ठीक है अब कम से कम, तो तुम चली जाओ ताकि कोई नाराज़ ना हो जाए। और आपको पता है कि ससुराल का मामला भी ज़रा नाजुक सा होता है, तो इसलिए मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं मैं चली जाऊँगी, मैं और कैफ चले जाते हैं। तो अभी मैं और कैफ जो है हम शादी पर ही जा रहे हैं और आप सोच रहे होंगे कि मैंने कोई फैंसी ड्रेस नहीं पहना। और जी इसके पीछे भी एक कहानी है, वो ये है कि डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि रेशमी कपड़ा जो है वो टच नहीं करना, तो इसलिए मेरी मजबूरी है कि इसलिए ये जो है मुझे कंफर्टेबल भी है और ताकि जो है मेरी जो टांग है वो जो ज़ख़म अभी थोड़ा कच्चा है, तो उन्होंने मुझे मना किया था डॉक्टर ने कि अभी आपने जो है ये अपने रेशमी जो है उसको टच नहीं देना ताकि ज़ख़म जो है वो ख़राब ना हो जाए कहीं। तो इसलिए ये कॉटन का है, कॉटन नहीं है ये बल्कि वो है सूती सा कपड़ा होता है जो पहना जाता है, तो वो इसकी जो ट्राउज़र है वो सूती सा है। तो मैंने कहा ये सही है, कंफर्टेबल है सूट एक, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यही पहन के चले जाते हैं, कोई बात नहीं। अब मैं वैसे सोच रही थी कि पहन लूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने दो सुबह जो है दो ड्रेस निकाले थे, एक साड़ी निकाली थी और एक मैंने निकाला था पिंक सा, बहुत ही प्यारा सा कलर था, और वो मैंने सोचा कि वो पहन के चली जाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत कलर है। तो मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे सख्ती से मना कर दिया कि नहीं जी नहीं पहन सकती क्योंकि सेहत और ज़िंदगी पहले है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं नहीं पहन के जाती। पहले मैंने ज़िद लगाई थी कि नहीं मैं पहन के जाऊँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो दो ड्रेस कौन से थे जो मैं पहन के जाना चाहती थी। ये वाला था मेरा एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस था, पिंक सा कलर है इसका और बड़ा ही फैंसी सा है, अभी तो ये प्रेस नहीं हुआ हुआ, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा फेवरेट ड्रेस है। और एक है साड़ी है वो मैं आपको दिखाती हूँ, चले फिर कभी पहन लेंगे ऐसी कौन सी बात है। ये है गोल्डन कलर की मेरी साड़ी थी और इसका ये ब्लाउज़ है, इसके जो है ये इसका बाजू है, बाकी तो ये सिंपल है। है गोल्डन और ग्रे, ग्रे आपको पता मेरा बहुत फेवरेट कलर है। ईद पे भी जो है मैं वो सूट नहीं पहन सकी, वो वाला भी जो था ड्रेस मेरा बहुत ही फेवरेट था, ग्रे कलर वैसे मेरा बहुत फेवरेट है और ये था ये गोल्डन और ग्रे, तो मैं नहीं पहन सकती, चले फिर कभी पहन लूँगी। आपको पता है कि ख्वातीन को जो है शादी पे जाते हुए होता है कि मैं अच्छी सी तैयार हो जाऊँ और अच्छा सा ड्रेस पहनूँ, लेकिन कोई बात नहीं। और जी गाइस मैंने जो है सोचा था कि चलो साड़ी मैं नहीं पहनूंगी क्योंकि साड़ी के साथ जो है जब तक आप हील वाली जूती ना पहने ना आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आता क्योंकि साड़ी के साथ हील बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए फिर मैंने कहा था कि मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, तो क्योंकि टांग मेरी जो है वह अभी ठीक नहीं है। तो खैर मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया कि जी कोई रेशमी कपड़ा नहीं पहन के जाना, तो फिर ठीक है मैंने कहा मैं यही पहन के जा रही हूँ। और अभी हम लोग बस निकलते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी कॉल आई थी 8 बजे कि वो जो हैं वो मरी पहुँच चुके हैं, तो अभी हम लोग भी बस अब निकलने लगे हैं। और गाइस ये है मनाही रायना के लिए अंडे वाले बर्गर और डोनट, और ये हैं बिस्किट
कोकोनट वाले जो इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे भी बहुत पसंद है। और जी ये लोग भी इंजॉय करेंगे। अब गाइस हम लोग जो हैं आ चुके हैं, अभी तक जो है दुल्हन को पैसे नहीं लेके आए, अभी थोड़ी देर है। गाइस दुल्हन जो है वो आ चुकी है और दूल्हा भी साथ है, उसको स्टेज पर बिठाया जा रहा है। गाइस खाना हमने खा लिया है और अब जो है अफरा तफरी मच गई है, लोग जो है घरों को जा रहे हैं। बिल्कुल भी याद नहीं थी कि एनवेलप जो है वो पैसों वाला मेरे पास ही है और खाना खा लिया है और मैं ऐसे ही जा रही थी, तो शुक्र है कि मुझे याद आ गया। गाइस लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं और जी इस वक्त जो है पैसा हाल बंद होने वाला है। गाइस एनवेलप जो है वो मैंने अपनी नंद को दे दिया, जो है बस अब यहाँ से खाने वाले हैं। तो शादी हमने अटेंड कर ली है, क्यों क्या खाना वाना खाए जी। गाइस मैं और कैफ जो है वो हम घर आ चुके हैं और जी मनाही रायना जो है बैठ कर मूवी देख रही है इस वक्त। और रायना फिर मज़ा आया बर्गर और उसका, भूख तो नहीं लगी उसके अलावा डोनट शोनट खा के रायना पे लगी होगी, रायना भूख लगी थी। गाइस मनाही तो बहुत कम खाती है, और फिर क्या खाया है उसके बाद रायना? अंडा बनाया था। अच्छा, और तो सालन, मेरे ख्याल से सालन तो कोई नहीं पड़ा हुआ था ना, क्योंकि सालन जो है वो था ही नहीं। सुबह जो है नाश्ता भी जो है हमने बाज़ार से मंगवाया था, और चलो कोई बात नहीं, बच्चों ने जो है जिस तरीके से बनाया तो उतना नहीं खाती, उसके लिए तो काफ़ी होगा। तो खैर जी हम लोग जो है घर आ चुके हैं और आज जो है हस्बैंड मेरे जो हैं वो उधर ही जो है कमरा बुक करवाएंगे किसी होटल में, तो वो तो आज नहीं आएंगे क्योंकि आपको पता है कि वलीमा जो है वो भी रात का ही है, फंक्शन है तो वो लेट ख़त्म होगा। तो वो कह रहे थे कि मैं, हो सकता है कि वहीं पर रात रुक जाऊँ। मैंने कहा ना आना, बस अगर बहुत देर हो जाए तो आप वहीं पर रात रुक जाएँ। और गाइज मेरे हस्बैंड जो हैं वो आ चुके हैं और शुक्र है कि वो आ गए हैं, शुक्र है आप आ गए हैं जी, क्योंकि मुझे जो है बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही थी। और रायना ने मुझे कहा था कि मामा मैं आपके पास सो जाऊंगी क्योंकि मुझे जो है रात को अकेले डर लगता है। लेकिन थैंक गॉड के मेरे हस्बैंड आ गए हैं और अब जो है मुझे कोई डर नहीं लगेगा। गाइस रायना जो है वो मुझे मज़ीद डरा रही थी और कह रही थी मामा रात को जो है आप अकेले सोएंगी तो ये ना चुड़ैले चुड़ैले आ जाए, और वैसे भी जो है मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैंने, रायना ने मुझे इतना डराया, मैंने कहा रायना ठीक है फिर आप मेरे पास सो जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग जो है जा रहे हैं वॉक पर, बहुत ही खूबसूरत मौसम है और सुबह सुबह जो है परिंदे वगैरह भी उठ गए हैं। गाइस हम लोग जो है पार्क आ चुके हैं, इस बारिश की वजह से जो है घास बहुत ज़्यादा गीली है। मेरे हस्बैंड ने कहा है कि तुम जो है बैठ जाओ और अभी तुम वॉक ना करो, कुछ दिनों के लिए वॉक ना करो और अभी सिर्फ जो है फ्रेश एयर ले लो, ताकि इंसान का मूड फ्रेश होता है, तबीयत जो है वो और मज़ीद फ्रेश होती है। तो अभी उन्होंने मुझे मना कर दिया है। और बेंच मैं आपको दिखाती हूँ, सारे बेंच जो है वो गीले हैं, ये देखिए गाइस सारे बेंच जो हैं वो गीले हैं, और अगर मैं इस पे बैठती हूँ तो मैं सारे के सारे, मेरे जो कपड़े हैं वो सारे गीले हो जाएंगे और सारे बेंच जो हैं वो गीले हैं। ये जो हस्बैंड हैं और वो भी वॉक कर रहे हैं और कैफ जो है वो भी वॉक कर रहे हैं, और मुझे उन्होंने कहा है कि बैठ जाओ अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें इसलिए लेके आया हूँ ताकि तुम्हारा जो है मूड फ्रेश हो जाए। सुबह की जो ठंडी ठंडी हवा है, बारिश नहीं है लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, बहुत मज़े की जो है ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गाइस कैफ जो है रनिंग कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो हस्बैंड है अभी वो वॉक कर चुके हैं और इस वक्त जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं। गाइस बहुत ही जो है खूबसूरत सा आसमान आपको दिखाया मैंने, कितना प्यारा लग रहा है, वाइट ब्लू बादल, और अभी जो है सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं रहा, हो सकता है कि निकल आए क्योंकि आसार जो है वो नज़र आ रहे हैं। और जी कैफ इस वक्त एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैफ ने जो है रनिंग कर ली है। गाइस धूप निकल आई है, मैंने आपको बताया था कि सूरज जी बादलों में से झांक रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है,
तो निकल ही आए आखिरकार। गाइस हम लोग जो है यहाँ पे नाश्ता करने के लिए आए हैं। आपको पता है कि आज है संडे और संडे को जो है हमेशा दिल चाहता है कि आप जो है अच्छा सा नाश्ता करें, हलवा पूरी वगैरह। हलवा पूरी खानी है गाइस, कैफ भी कह रहे हैं कि हलवा पूरी खानी है। भूख लग गई है? अच्छा, जाहिर है एक्सरसाइज की है तो भूख तो लगेगी। रिफ्रेशमेंट वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रश होता है संडे को, है ना, बहुत ज़्यादा रश होता है। हाँ, नाश्ते में भी बहुत ज़्यादा रश होता है, और इसीलिए गाइस हम लोग जो है यहाँ आ गए। यहाँ पे थोड़ी सी सुकून है, और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो वो जो वेटर है ना, वो ऑर्डर भी बहुत ही देर से जो है, अक्सर तो भूल भी जाते हैं, उनको बार बार कहना पड़ता है। हाँ, एक दफ़ा बात सुने, एक दफ़ा क्या हुआ था जब हमने उसको चाय का कहा था कि चाय लेके आओ, और उसमें ये था कि वो पता है चीनी नहीं लेके आए थे, और चीनी लाते लाते जो है ना हमारी चाय ठंडी हो गई थी। स्टाफ है उनके पास अच्छा खासा है, लेकिन बहुत रश होता है। अभी अभी जो है और कोई भी हमें जगह नहीं मिली, कि बहुत सारे इस तरह के जो रेस्टोरेंट हैं वो बंद हो चुके हैं, और एक यहाँ पे था, बस हमने कहा चले नाश्ते करने हम यहाँ आ गए। गाइस हमारा नाश्ता जो है आ चुका है। वासिले आप तो कह रहे थे कि मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, चखूंगा चखूंगा। अच्छा जी, प्लेट्स तो वैसे ही है, सबकी तो खाई है, कभी चखेंगे नहीं। खाई, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा, विनोद को शादी पे खा के आए थे, हजम नहीं हुआ? गाइस मुझे भी कोई इतनी खास भूख नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा जो है अभी गरम गरम है पूरियाँ। बहुत मज़े के हैं चने, वैसे अमूमन इतने मज़े के चने होते हैं, जो रिफ्रेशमेंट है वो इतने मज़े के हैं, सनराइज़ के भी इतने मज़े के हैं। जब हम ये घर लेके आते हैं तो उस तरह नहीं रहती है ना पूरियाँ, अभी इस तरह जो है ना यहाँ पे जो मिलती है ना गरम गरम, वो खस्ता खस्ता होती है ना, खस्ता होती है, वो नरम हो जाती है। इनका जायका भी अच्छा है, मतलब वो सब नहीं रहती, वो ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है ना। नाश्ता वाश्ता जो है हमने कर लिया है, और हम लोग जो है घर जा रहे हैं। नारायणा जो है वो घर पर सो रही है, और वो नमाज़ पढ़ने के लिए उठी थी सुबह, और उसके बाद जो है वो सो गई है नमाज़ पढ़ के। तो हम लोग जो है वॉक पर आ गए थे, और वॉक के बाद जो है अभी हमने नाश्ता किया, इतना हैवी, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे इतनी एक्सरसाइज करने का क्या फ़ायदा, कि उसके बाद ही इतना हैवी हमने नाश्ता कर लिया। चलो तो चले, यहाँ पे जो है चाय नहीं है, और अभी हम जो है कहीं और जाके चाय पियेंगे। गाइस ये वही वाला है कोयटा कैफ़े है, जिस तरह हमने रमज़ान में सहरी की थी, और यहाँ पे हम लोग जो है चाय पीने के लिए आए हैं, क्योंकि चाय पीने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। आपको पता ही कि नाश्ता करो और चाय ना पियो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अब इस वक्त जो है मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, क्योंकि रात को भी मैंने आपको बताया था कि गाइस एक हो गया है, और एक बजे हम सोए नहीं थे, हम सोए थे 2 बजे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई है, और मैं फजर तक जाती हूँ, उसके बाद नमाज़ पढ़ी है, और जी फिर उसके बाद टाइम का पता ही नहीं चला, और हम लोग जो है वॉक के लिए आ गए, और अभी इतनी सख्त मुझे नींद आ रही है, फल्ला सभी चाय पीते हैं और चलते हैं घर, और जाके जो है मैं रेस्ट करूँगी। गाइस मेरा भी दिल चाह रहा था चाय पीने का, और कैफ का बहुत सा दिल चाह रहा था कि जो नाश्ते के बाद जो है चाय पिए, तो हम घर जा रहे थे, लेकिन हम लोग इधर आ गए हैं चाय पीने के लिए। चाय के बगैर मज़ा नहीं आता सुबह। हाँ, और वैसे भी नाश्ता करो तो उसके बाद चाय ना पियो ना, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अभी बहुत तलब हो रही है,
तो आप किस चेहरे पे क्यों स्माइल आ रही है, आपको कैसे पता? पिए होगा? इसने नहीं पिया होगा, हम क्या बता रहा था? लड़के थोड़ी बताते हैं माँ बाप को, इतने मासूम और शरीफ बन जाते हैं माँ बाप के सामने जैसे इनको तो दुनिया जहान का पता नहीं है और अंदर से पूरे बदमाश होते हैं। मुझे शक्ल देख के पता चल रहा था कि चाय जो है वो सही नहीं है। इस चाय जो है वो हमने पी ली है और अब बस अब चलते हैं, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। हाँ सही बात है, मैं सारी रात नहीं सोई हूँ, नींद ही नहीं आई मुझे। तुम लोग भी मेरे ख्याल से कैफ नहीं सोए हो, मैं रहना तो जाग रही थी। चलो बस चलते हैं। हम लोग जो हैं घर आ चुके हैं और नाश्ता वाश्ता भी हमने कर लिया है, चाय भी पी ली है और अब नींद बहुत सख्त आ रही है और अभी मैं जो है सोने लगी हूँ। और आपने जो है अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दें, बेल आइकन दबा दें और कमेंट करें, अच्छे अच्छे शेयर करें और इंशाल्लाह जी अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।